अध्यक्ष महोदय, मैं पर्चे के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री सामान्य नितिन जी गडकरी जी ने एक सपना संजोया, वन की वन नेशन वन टैक्स। उसके आधार पे हमारे राजस्थान में भी केंद्र सरकार द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए AITP ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट परमिट 2021 में जारी किया, और जिसके द्वारा पूरी संपूर्ण भारत में इसका कई राज्यों ने इसका सम्मान किया और उस अनुसार उन्होंने टैक्स लागू किया। और उसी टैक्स के अनुसार आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार है, यूपी है, MP है, उसी पेंडेमिक टैक्स वसूल किया जा रहा। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की हठधर्मिता के कारण हमारे राजस्थान ने वो टैक्स स्लैब लागू नहीं किया। आज हर स्टेट में, आज चाहे अरुणाचल, MP देखो, वहाँ 7,000 परमानेंट टैक्स है, अरुणाचल का 1,000 रुपये टैक्स है और यूपी का 7,200 टैक्स है, लेकिन हमारे राजस्थान में लगभग 39,758 टैक्स है। जो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है, जब हमारा डबल इंजन की सरकार है, केंद्र का जो एक सपना है कि वन नेशन वन टैक्स, उसके आधार पर मैं आपसे मंत्री महोदय निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे वही स्लैब टैक्स लागू किया जाए, जिसकी आज उसकी वजह से हमें कितना हानि हो रही है। करीब 3500 बसें हमारी आउट ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड हुई है, जिसकी वजह से हमें कितना रेवेन्यू लॉस हो रहा है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम और बताना चाहता हूँ, इस टैक्स के इंतजार में 350 बसें तैयार पड़ी है, वीडियो कोचे वो ये इंतजार करें, अगर टैक्स स्लैब वही अगर उसी पैटर्न में लागू हो तो वो भी हमारी रजिस्टर होगी, अगर टैक्स स्लैब लागू नहीं किया गया तो वो 350 बसें भी अन्य राज्यों में चली जाएगी। इसलिए मेरा आपसे माध्यम निवेदन है कि मंत्री महोदय इस पर कुछ विचार करके और ये स्लैब लागू किया जाए। धन्यवाद।